और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कमरे में जलती है। एक और चीज है जो आपको मैं दिखाता हूँ, वाशरूम जी का जरूरी है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है जफर अली। तो आप लोग इतने पसंद आ रहे हैं कि मुझे डेली बेस पे रिक्वेस्ट की जा रही है, कभी होम टूर की, कभी ऑफिस सेटअप की, कभी रूम टूर की। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोगों को बताता चलूँ, साथ साथ हर चीज़ दिखाऊँ। तो आज मैं दिखा रहा हूँ रूम टूर। इसके अंदर इतना कुछ है नहीं, बट मैं इधर अपने रूम के बाहर खड़ा हूँ। मैं आपको रूम दिखाने लगा हूँ, आपने ऑफिस सेटअप दिखा दूंगा या मुझे रूम टूर करवा दूंगा। तो रूम लाइक मैंने अभी घर नया बनाया है और रूम मेरा नया ही है, उसके अंदर मैं रहता हूँ। मतलब कि मैंने अभी आप लोगों के लिए स्पेशल स्पाइक आई है जो आप जानते हैं। ये है रूम मेरा और सबसे पहले ये चेयर है। चेयर्स लगाई हुई है, कोई भी आता है मेरे पास बैठने के लिए, लेके ऐसे बैठता है, मैं लेटा होता हूँ उसको चिल मोड। तो उसके बाद ये है, ये मैंने अपने ना पुराने ऑफिस के लिए लिया था, तो मैंने इधर रूम में रख लिया है। तो ये अच्छा है, इसके ऊपर ना मोस्टली मेरे ना कपड़े सारे इधर होते हैं। अभी मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए फिर इधर से उठा के बैठा ही नहीं। तो उसके बाद ये बेड है, ये आप लोगों ने देखा ही होगा, जिम हॉल लाइक मॉर्निंग वाले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था ये। और ये सराहने में काफ़ी लेता हूँ, ज़रा मज़ा आता है। ये सब कुछ आप लोगों ने देखा है, ये मेरे हेडफोन पुराने आप लोगों ने देखे होंगे ना, ये तो बहुत बाकी हो आप लोग इससे। अब मैं इसको ज़रा खुद यूज़ करता हूँ, ये मैं पानी पीता रहता हूँ साथ ऐसे ही करूँ। और क्या दिखाऊँ, और जो भी रूम है वो ही देखना। ये है इधर इधर, हाँ ये सुभान है और मैं हूँ। तो लाइक ऐसे फेर रहे हैं, हाँ रूम में एक इस तरफ आए, इस तरफ ऊपर करो। ये एसी मैंने लगवाया, अगर सर्दियों में मैं इसका मज़ा लेता हूँ हीटर चला के हैं। अभी मैं इसको ना बंद इसलिए नहीं किया हुआ कि मैं हीटर चलाता हूँ, ये इसका रिमोट इधर रखा हुआ है। और गर्मियों में ऑब्वियसली आप लोगों को पता ही है क्या होता है। और इधर क्या क्या है, ये डिब्बा पड़ा हुआ है इसका, इसको फेंकना है इधर बैठने के लिए। ये भी हाँ, ये जो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट, मैं ये जेल इस्तेमाल करता हूँ, ये वाली, ये मेरे बालों में ना ये लगी होती है, आप लोग देख लीजिए आज ये। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कमरे में जलती है, हाय ये मेरे सारे कपड़े, ये सारी ज्वेलरी आप लोगों ने देखी होनी है, मैं यही पहनता रहता हूँ। और ये कुछ मेरे नए कपड़े लेके ना मैंने इधर फेंके हुए हैं, ये शुरुआत में लाइक छोड़ो, ये तो आप लोगों को पता ही होना। और इधर क्या है, इधर मैंने नए कपड़े रखे हुए हैं और मेरी सारे पैर ही पड़े, मैंने पहने नहीं है अभी, ये सारे वैसे ही पड़े हुए हैं, टाइम नहीं मिलता, ये पुरानी चीज़ें पहन के फिरता रहता हूँ। ये शीशा इधर, फिर आ गया एक, हाय ब्रो भाई मेरा लंबा हो गया, मिला था मैं लंबा। इधर ये है खाली, इधर ये मेरी टाई वगैरह सारा कुछ जो मैं पहनता हूँ, परफ्यूम, ये लगाना चाहिए। ये स्प्रे है, इससे सभी वाकिफ होंगे। बस ये सिंपल सा छोटा सा, ये मास्क वगैरह हर चीज, अब क्या क्या दिखाऊंगा मुझे समझ नहीं आ रहा। और ये है खाने शाने, पता नहीं क्या रखा हुआ है इसके ऊपर ना, मैंने ये टाइल वगैरह लगाई है, इसको ना जरा मैंने फैंसी रखा हुआ है कि इसको बंद नहीं करना। हाँ ये मेरा कम्बल, ये कम्बल इधर गया है, हाँ ये रूटर है इंटरनेट का, मैं खुद ही सारी चीज़ें करता हूँ। वो जो होते हैं ना प्लग लगाते हैं इंटरनेट का, वो भी मैंने खुद ही रखा है, मैं खुद ही लगाता रहता हूँ हर चीज़ खुद करता हूँ मैं। और ये है फाइनली, अभी मैं आपको ये स्लो स्लो करके चीज़ें दिखा देता हूँ, आप लोग देख लें ये चीज़ें हैं। चलो देखो, ये पड़े हुए हैं क्योंकि ये मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट एक वीक दो वीक से पड़े हुए हैं। हाँ ये पड़ा हुआ है और ये तो बंद हो गया, चलो बाद में देखेंगे। हाँ
शुगर इतना ही इसके अंदर रखना होता है, मैंने इसके ऊपर ही रखा हुआ है। और कमरे में लाइक इधर से आते ना, अगर एक और चीज़ है जो आपको मैं दिखाता होता हूँ, ये इधर मैं आपको खड़े होकर बात करता होता हूँ मोस्टली, उसकी लाइटिंग है, ये लाइट है इसकी, इधर तो दिया फेवरेट तो दिया, ये मज़ा आता है इधर है। और ये है सुबह इधर दिखाऊंगी ये चीज़, हाय। तो ये लाइक मैं ना ये अभी मैंने रिसेंटली लगवाया, मैंने रूम टू कर करवाना था ना, इसलिए मैंने ये लगवाया। इसको ऐसे ऊपर करो, बाहर का व्यू लो, हाय। मंदिर इतनी चावल छान रही है। अच्छा मेरी खाला है वो, आप लोगों ने मीट माय फैमिली वाले ब्लॉग में देखा ही होगा। और ये वॉशरूम है, वन वॉशरूम दिखाना जरूरी है। तो भैया मैं नंगे पाँव आगे गिर जाऊंगा हैं, ये वॉशरूम आप लोगों को पता ही है, आप लोगों को पता ही है ना कैसा होता है वॉशरूम। ये बेसिकली ये ना गली है बाहर पीछे ना, एक स्ट्रीट है तो उसके ना ये बाहर आता है ये सारा, आप लोगों ने देखा होगा वो बाहर पढ़ाई होती है ना दीवार, तो वो उसका है। तो इसको मैंने इधर एडजस्ट किया, इधर वॉशरूम ले आया उनके कमरे के अंदर ही जरा ना सेट हो जाए, एडजस्ट हो जाए। तो ये चीज़ आप लोगों को मैं ये इधर इधर खड़े हो गए फाइनल रूम का लुक दिखाता हूँ। ये रूम है देख लिया आपने, ये पंखे भी लगे हुए हैं तो, और लाइटें मैंने काफ़ी लगवाई हुई है, ये देखो ना लाइटें तो ऑब्वियसली मुझे पसंद है, मेरा काम ही है लाइटों का, वीडियो का काम है। और ये है सुभान, ये तो हर वीडियो में आपको मिलेगा, ये चीता है यार, ये बाल कटिंग करा ली है देखिए हैं, हर दफा ही कहता हूँ काफ़ी लंबे बाल हैं यार मेरे, नहीं है मैंने कटिंग करवाई हुई है, वो पीछे भी नज़र आ रहा है आपको। ये कमरा बंद करते हैं आप लोगों को, मैं रूम टूर कराऊँगा। तो लाइक है नहीं इतना कुछ अभी मैंने सेटअप किया, बस यही है। और होप सो आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा, और भी मुझे ब्लॉग के बारे में लाजमी बताइएगा कौन कौन से ब्लॉग्स चाहिए। तो आ रहा हूँ और इधर आके मैं वीडियो ना बनाऊँ, ये हो नहीं सकता, और इधर आके ब्लॉग की एंडिंग हो तो ये ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ये मेरी फेवरेट जगह है, अच्छा है ये जगह, अच्छी लगती है मुझे। और ये सुभान है, सुभान बाबे करो, और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। चलो अब आप ट्यूशन चलो, शाबाश, भागो 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 भागो। चलो जी वापस मैं आ गया हूँ, तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि रूम कैसा लगा है, मुझे पता है सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, तो बस यही है। इधर की चीज़ें दिखा देता हूँ, ये है कोलगेट, ये माउथ वॉश वगैरह, ये सारा कुछ पड़ा हुआ है, और ये सीधा ये तो आप लोगों ने देख लिया होगा, ये इधर ही पड़ा रहता है। इधर क्या है, ये चीज़ें हैं, और इधर क्या है, मेरी मशीन, इधर मैंने कुछ रखा नहीं अभी मेरे ख्याल से, हाँ कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, बस यही है, और तो कुछ है नहीं मेरे पास दिखाने को। और इधर से रूम का व्यू इस तरह है, देख लो, ये भी मैंने ना नई बनवाई थी, आप लोगों ने देखा ही होगा, ये क्लॉक है, और टीवी सी भी मैं देखता नहीं हूँ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं टीवी से। और अब आप लोगों को मेरे रूम में ब्लॉग्स मिलते रहेंगे, क्योंकि मैंने रूम टूर करा दिया है, अब मैं कहीं भी खड़ा हो सकता हूँ। लेकिन मैं सोच रहा था यार कि मैं एक ही जगह खड़े होता हूँ, तो इसलिए मैं अब रूम टूर करा दिया है, और मैं नज़र आता रहूँगा आप लोगों को काफ़ी जगहों पर। तो ये था मेरा कमरा, मुझे बताइएगा लाजमी कि कैसा लगा है, सिंपल है, आई नो मैंने कोई दीवारों पर कुछ भी नहीं लगाया हुआ, कुछ भी नहीं, तो बस ऐसे ही है, बस ठीक है मेरे लिए, ठीक है। तो चले मिलते हैं अगली वीडियो में, नई वीडियो में, तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।